हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी एक्टिविटी सीट नंबर 36 करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीक जो बच्चा विनर हुआ था उसका नाम क्या है, रोहन है। तो उसका मैंने एड्रेस ले लिया, उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर दिया गया है, 7 डेज़ के अंदर पहुँच जाएगा। अगर आप लोग भी ऐसे ही गेम खेलना चाहते हो और गिफ्ट जीतना चाहते हो तो सभी बच्चे वीडियोज़ को पूरी जरूर देखेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट है जो वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं उनका नाम लिस्ट में है और वो धीरे धीरे जीत जाएंगे। काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं, सर हमारा नाम करवाएगा। देखिए, अगर आप सारी चीज़ फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से वर्कशीट कर रहे हो और गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपका डेफिनेटली नाम आएगा। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, इंग्लिश की। आपको ये किस में करनी है, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करनी है। क्लास 6, 7 और 8 तीनों स्टूडेंट की ये एक्टिविटी सीट नंबर 36 है। तो आपकी 2 मार्च की, मार्च स्टार्ट हो चुका है जिसके आप लोगों को पता है, ठीक है, मार्च की आपकी पहली एक्टिविटी सीट है। टॉपिक इसमें क्या है, अफ फेबल। देखिए, अफ फेबल ये कहा जाता है, आपकी वो स्टोरीज होती हैं जो आपको कुछ मोरल दे के जाती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं। ठीक है, मतलब अगर आपने स्टोरी पढ़ी तो उससे आपको क्या सीखने को मिला, उसे हम कहते हैं अफ फेबल। ठीक है, अ स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज करेक्टर दैट टीच अस अ लेसन, अ मोरल। ठीक है, कोई मोरल दे के जा रही है हमें, कोई पाठ पढ़ा के जा रही है, कुछ सिखा के जा रही है, उसे हम फेबल कहते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, ठीक है, कहाँ से ली गई है, पंच तंत्र से ली गई है। ठीक है, पंचतंत्र आपकी बुक का नाम है जहाँ से ये स्टोरी आपकी ली गई है। आपकी शायद 6th क्लास में भी स्टोरी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो इसमें दिया गया द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, एक बार की बात है, जंगल में, देयर लिव अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर का मतलब होता है नदी के किनारे। ठीक है, नदी के किनारे। तो ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी सी नोटिस करोगे तो आपको धीरे 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 ये अच्छी सीखने को मिल जाएगी और आप लोग एकदम परफेक्टली इसमें फ्लुएंस हो सकते हो। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट, क्या था, एक बार की बात है, जंगल के अंदर, देयर लिव अ मंकी ऑन अ जामुन ट्री। इन द सेम फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ। ठीक है, उसी जंगल के अंदर एक क्रोकोडाइल रहता था और उसकी वाइफ उसके साथ रहती थी। वन डे द क्रोकोडाइल केम टू द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे आया, कौन आया, क्रोकोडाइल आया, एंड रेस्टेड अंडर द ट्री, ट्री के नीचे वो रेस्ट कर रहा था। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट, देखो ये क्या है, मंकी है, उसने क्या किया वहाँ फ्रूट से, तो उसने उसे कुछ फ्रूट्स दे दिए। ठीक है, द क्रोकोडाइल कम बैक नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स, फिर वो क्या अगले दिन फिर आया, क्या लेने के लिए, और भी ज़्यादा फल लेने के लिए। एज ही लव्ड हिम, ठीक है, जो उसे बहुत पसंद करता था वो, एज डेज पास, जैसे कि पहले वो उसने उसे दिए थे फल। ठीक है, द क्रोकोडाइल एंड द मंकी बिकम गुड फ्रेंड, वो दोनों क्या हो गए, एक अच्छे मित्र बन गए। ठीक है, वन डे द मंकी सेंड सम फ्रूट फॉर द क्रोकोडाइल्स वाइफ। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, मंकी ने कुछ फ्रूट्स दे दिए किसको, क्रोकोडाइल्स की वाइफ के लिए, कि तुम ले जाओ अपनी वाइफ के लिए फ्रूट्स ले जाओ। सी एट फ्रूट्स लाइक देम, उसने फ्रूट्स खा लिए और उसे बहुत पसंद आए। बट वॉज जेलस, ठीक है, पर वो एक तरीके से जेलस भी हुई। एज सी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मनी, और उसे नहीं पसंद था कि वो मंकी के साथ टाइम स्पेंड करे उसका हस्बैंड। ठीक है, सी टोल्ड हर, उसने उसको बोला अपने हस्बैंड को, इफ़ द फ्रूट्स आर सो जूसी, अगर फ्रूट बहुत ज़्यादा इतने जूसी हैं, मतलब इतने रसीले हैं, आई वॉन्डर हाउ द स्वीट्स मंकी हार्ट्स वुड बी, तो मंकी का हार्ट कैसा होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा। गेट मी द हार्ट ऑफ द मंकी, मुझे मंकी का हार्ट चाहिए। ठीक है, तो उसने ऐसा करके क्रोकोडाइल की वाइफ ने बोला। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल हिज फ्रेंड, ठीक है, वो अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाहता था, वो उसके लिए विलिंग विल नहीं था। ठीक है, बट हैड नो चॉइस, उसके पास कोई और तरीका भी नहीं था। ठीक है, ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर द डिनर, उनने क्या मंकी को इन्वाइट किया डिनर के लिए, एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम, उसने मंकी से क्या बोला कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है। द मंकी वॉज हैप्पी बट कुड नॉट स्विम, मंकी हैप्पी था पर वो तैर नहीं सकता था, तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, टुक हिम ऑन हिज बैक, उसने उसे अपने ऊपर बिठा लिया जैसा आप दिख रहे होगे। ठीक है, द क्रोकोडाइल वॉज हैप्पी दैट ही हैड टेक्ड द मंकी, वो हैप्पी हो गया कि वो मंकी को अपने साथ लेके जा रहा है। हाउएवर वाइल टॉकिंग ही टोल्ड द रियल रीज़न फॉर टेकिंग द मंकी होम, ठीक है, तो जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने उसे रियल रीज़न बता दिया, कौन सा, ये वाला रीज़न कि मैं तुम्हें घर पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ तुम्हारा
दिल लेना चाहती है, मतलब तुम्हारा जो हार्ट है वो तुम्हें मार के तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है। द क्लेवर मंकी, वो क्या था, बहुत बहादुर था, चतुर था, ठीक है। उसने कहा यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें ये मुझे पहले बताना चाहिए था। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं अपना जो हार्ट है वो ट्री पे भूल आया, पेड़ पे छोड़ दिया मैंने। वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट, हमें वापिस जाना चाहिए और वो दिल लेके आना चाहिए, तब हम जाएंगे, ठीक है। द क्रोकोडाइल बिलीव हिम एंड टुक हिम बैक टू द ट्री, क्रोकोडाइल ने क्या किया उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया एंड फिर क्रोकोडाइल उसे पेड़ पे वापस ले गया, ठीक है। दस द क्लेवर मंकी सेव हिज लाइफ, तो इससे क्या हुआ, मंकी ने अपनी लाइफ को सेव कर लिया। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला, मोरल ऑफ द स्टोरी, चूज योर कंपनी वाइजली, आपको अपनी जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो आपको बहुत बुद्धिमानी से लेना चाहिए। ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, माइंड के साथ में आपको प्रेजेंट होना चाहिए, आपको एकदम सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मॉरल था इसके अंदर। अभी हम लोग देखिए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, बीच में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग, मैंने इससे भी पहले आप लोगों से ये वर्ड्स पूछे हुए हैं, एंटोनिम्स एंड सैनोनिम्स, तो आपको अभी इसमें मुझे किसका बताना है, क्लेवर का बताना है, ठीक है। क्लेवर का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है और आपको सैनोनिम्स बताना है, ठीक है, दोनों का, क्लेवर का, ठीक है, दोनों बताने हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक, डू रिवाइज रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन, नोट अ मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड। चलिए हम स्टार्ट करिए। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको जो स्टोरी है पीछे से पढ़ना स्टार्ट करनी है, इन द सेंस कि आप जैसे वर्ड लास्ट जो वर्ड है वो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। देखिए ये तो मोरल है, स्टोरी हमारी यहाँ ख़त्म हुई, तो सिर्फ आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो एक्चुअली में बात समझिए क्या कहा जा रहा है, आपको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे आप पढ़ोगे लाइफ हिज सेव मंकी क्लेवर द दस ट्री टू द बैग हिम टुक एंड हिम ब्लीव क्रोकोडाइल द इट गेट, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ते चले जाना है बैक से बैक, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पूरी स्टोरी पढ़ लेनी है, इसमें कुछ और नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पिक ऑल द वर्ड रिलेटेड टू द फॉरेस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक एंड क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी, दोज 50 से 70 वर्ड के अंदर आपको क्या करनी है, एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जनरली सी बात ये है, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक स्टोरी लिखते हैं, एक अच्छी चीज़ जिसमें आपको बहुत समझ में भी आ जाएगा। तो सभी बच्चे अब अपनी नोटबुक लेंगे, आपको लिखना है आंसर नंबर टू, क्योंकि वन में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रीड करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर टू आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो अभी हम जो स्टोरी लिख रहे हैं उसका टाइटल है आपका अ लॉयन एंड अ माउस, ठीक है, ये आपकी उसका टाइटल है। तो देखिए क्या होता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ लॉयन, ठीक है, एक बार की बात है, लॉयन रहता था इन फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल में एक क्या रहता था, शेर रहता था। वन डे माउस, वन डे अ माउस, ठीक है, एक दिन क्या है, एक चूहा आया एंड playing with lion, ठीक है, lion के साथ क्या खेलने लगा, while he is he was sleeping, ठीक है, वो उस टाइम क्या सो रहा था, कौन, शेर। तो द लॉयन वॉक अप ठीक है, लॉयन क्या उठा एंड गोइंग टू किल माउस, वो क्या उठा और माउस को मारने जा रहा था, मतलब उसे खाने जा रहा था। The mouse
रिक्वेस्टेड, उसने क्या किया, उससे रिक्वेस्ट किया। फॉर फॉरगिवनेस, द लॉयन लेट हिम गो, कि वो लोयन को, कि वो मुझे छोड़ दे, लोयन से उन्हें रिक्वेस्ट किया कि तुम मुझे छोड़ दो, मतलब मुझे मारो मत, ठीक है। तो लोयन ने क्या किया, लेट हिम गो, उसे जाने दिया। फिर क्या हुआ, एक दिन आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज द लोयन इन अ नेट, वो क्या, एक दिन क्या हुआ, जंग शेर जो है वो जाल में फंस गया। तो माउस ने क्या किया, द माउस कट द नेट विद हिज टीथ, क्योंकि चूहे जो है बच्चे धीरे 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 कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। तो उसने नेट को कट कर दिया, द लॉयन वॉज फ्री, ही थैंकफुल थैंक द माउस, उनने माउस का क्या किया, धन्यवाद किया। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला, कि एक दिन क्या था, लॉयन ने उसकी जान बचा ली थी। तो हम इसमें मोरल लिखेंगे, Do good, have good, ठीक है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ। तो ये आपकी स्टोरी हो गई, एक छोटी सी हमने लिखी जो, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ माइंड मैप ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कंपेयर द कैरेक्टर ट्रेट्स, विच कैरेक्टर डू लाइक यू मोस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ कुछ नहीं बनाना, माइंड मैप बनाना है एक, जिसके थ्रू आप लोग समझा सको कि किसका क्या कैरेक्टर था स्टोरी के अंदर, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग आंसर नंबर 3। इसमें सिर्फ आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, और सब आपका रीडिंग पार्ट है, ठीक है। आप लिख दोगे यहाँ पे माइंड मैप, माइंड मैप, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा अच्छे से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले कौन था, क्रोकोडाइल था हमने जिसके बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे स्टोरी पढ़ी हम लोगों ने, वैसे वैसे हम लोग लिख देते हैं क्रोकोडाइल, ठीक है। ये कैपिटल लेटर में लिखें जिससे आपको लगा सके कि आप किसी का कैरेक्टर लिख रहे हो। एंड इसके बगल में लिख दीजिए क्रोकोडाइल वाइफ, ठीक है, क्रोकोडाइल की वाइफ, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब देखिए आप ऐसे लिखोगे, वो क्या था, एक तो क्रोकोडाइल फूल था, मतलब बेवकूफ़ था, क्योंकि उनने देखो एक तो अपनी वाइफ की बात मानी जो वो गलत कह रही थी, ठीक है। और ये क्या थी, ग्रीडी थी, ये बहुत लालची थी, और ये क्या कर रही थी, जेलस फील करती थी, तो हमने इसका जेलस लिख दिया, ठीक है। ये फूल था। एंड देखिए, अब देखिए जब आपने ये दिखा तो, और ये दोनों फ्रेंड्स किसका थे, ये आपस में फ्रेंड्स थे, कौन, माउस ठीक है। तो ये दोनों आपस में फ्रेंड्स थे, और माउस क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी था। एक्चुअली यहाँ पे मंकी आएगा, हमने मंकी पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मंकी आएगा, ठीक है, क्लेवर आ गया, और वो दोनों फ्रेंड्स थे, और क्या था, वो काइंड हार्टेड था, बहुत ही ज़्यादा दूसरों की हेल्प करता था, क्योंकि उसने उसे फल भी खाने को दिए थे, ठीक है। क्लेवर, काइंड हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, चतुर था, वहाँ पे वाइज भी लिख सकते हो, बुद्धिमानी भी था, ठीक है, और काइंड हार्टेड था, और हेल्पफुल था, ठीक है।
ठीक है, तो बहुत सारी खासियत थी उसके अंदर, हेल्पफुल। तो ये आपका माइंड मैप हो गया एक छोटा सा, ठीक है, इतने में हम लोग ने कंप्लीट कर दिया। तो होपफुली अब देखो इसमें एक और चीज़ पूछती है आप लोगों से कि आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगा, यू लाइक द मोस्ट एंड वाई विच टू कैरेक्टर, ठीक है। तो आप कुछ इसमें लिख दोगे, आई लाइक मंकीज कैरेक्टर, बिकॉज क्यों पसंद था आप लोगों को, बिकॉज ही वाज हेल्पफुल वाइज एंड काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। माइंड मैप किया हमने और लास्ट में इसका लिख दिया कि हमें मंकी का कैरेक्टर पसंद आया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड। आपको कुछ नहीं करना, स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, जब भी स्कूल खुलेगा, जब भी आप रेगुलर जाओगे, ठीक है, तो लाइब्रेरी में जाना, आपको एक फेबल पढ़नी है और अपने सिबलिंग के साथ, भाई बहन के साथ या फ्रेंड के साथ आपको वो सुनानी है, ठीक है। तो ये आपकी होती है एक्टिविटी सीट कंप्लीट। अब मैं आपको मेन कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इस चैनल पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि इसमें पता है आपको आईफोन का गिव अवे किया जाएगा जैसे ही 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नाम दिया गया द अल्टीमेट विक्ट्री, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और जो आपको आंसर देना है तो बच्चों वो इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड करिए, काफ़ी बच्चे हैं जो आंसर को इंस्टाग्राम पे सेंड नहीं कर रहे हैं। देखिए उससे क्या होगा, उससे अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे इंस्टाग्राम पे तो मैं आप लोगों से एड्रेस नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। इससे पहले जो रोहन बच्चा जी था उससे भी मैंने इंस्टाग्राम पे एड्रेस लिया है, तो उसके घर पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग विनर बनते हो तो आप लोगों का एड्रेस मैं इंस्टाग्राम से ही ले सकता हूँ, इसलिए सभी बच्चे इंस्टाग्राम पे आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, जैसे हर वीडियो में एम रखा जाता है, तो इस वीडियो में हम लोग एम रखते हैं 255 लाइक का, 255 लाइक जरूर सभी बच्चे कंप्लीट करा देंगे एम, ठीक है। और देखिए जीतने के चांस उसी बच्चे के ज़्यादा होते हैं जो 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देता है, डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, वीडियो को पूरी देखता है और वीडियो को लाइक करता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।